नेफेड एक बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति है। केंद्र सरकार इस संगठन के माध्यम से किसानों के कृषि उत्पादों को खरीदती है। वर्तमान में नेफेड महाराष्ट्र के दो विभिन्न बाजारों से प्याज की खरीदी कर रहा है, लेकिन नेफेड की इस खरीदारी से किसान परेशान है। कारण यह है कि प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा है, जिसके समाधान को लेकर अब प्याज किसान संगठित होने लगे हैं, जिसके तहत संघ ने प्याज के लिए MSP घोषित करने की मांग की है। प्याज उत्पादन संघ के बैनर तले किसानों ने प्याज को MSP के अंदर लाने की मांग की है, जिसके तहत संघ ने 30 रुपए प्रति किलो प्याज का MSP निर्धारित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्याज की खेती में लागत बढ़ी है, ऐसे में 30 रुपए प्रति किलो भाव होने से उनकी लागत के साथ ही थोड़ा मुनाफा निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्याज उत्पादन संघ ने नेफेड पर एक गंभीर आरोप भी लगाया है। संघ ने आरोप लगाया है कि नेफेड किसानों से अलग अलग रेट पर प्याज खरीद रहा है। प्याज उत्पादक संघ के मुताबिक नेफेड नासिक बाजार समिति से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अहमदनगर में 10 रुपए प्रति किलो पर प्याज की खरीदारी की जा रही है। प्याज उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत दिगोले ने सवाल उठाया है कि एक ही राज्य से प्याज खरीद में इतना अंतर क्यों है। उनका कहना है कि किसानों को इस समय वैसे भी प्याज के दाम ना के बराबर मिल रहे हैं, किसान इस समय अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय किसान कम रेट पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। औरंगाबाद में किसान 200 रुपए प्रति क्विंटल पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। इसके अलावा सबसे बुरा हाल तो महाराष्ट्र की राहता मार्केट का है, वहां पर किसानों ने सिर्फ 1.5 रुपए प्रति किलो के दाम पर प्याज बेची है। अहमदनगर जिले की इस मंडी में न्यूनतम दाम सिर्फ 150 रुपए क्विंटल है, जबकि औसत दाम 400 रुपए क्विंटल। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।